प्यारा सा कैंप। ये इसके 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। स्वे आ गया हूँ कैंप के अंदर। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा रूम है, ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे मशीनें वगैरह लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, आपका भाई भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं वीडियो में आपको अपना कैंप विजिट करवाऊंगा, अपना घर विजिट करवाऊंगा, बिकॉज जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर ही होता है। तो वीडियो मज़े की होने वाली है, बिकॉज मैं आपको आज अपना रूम, अपने जिम, अपना किचन सब विजिट करवाऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ रहें, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर भी मैं कैंप के बाहर ही हूँ, यहाँ पे ये टोटल सारा पार्किंग एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड पे ये पार्किंग एरिया है इसका, ये जितनी भी यहाँ व्हीकल्स खड़ी है हमारी कंपनी की है, और भी यहाँ पे ज़्यादातर वर्कशॉप्स हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा कैंप। ये इसके 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। इस साइड पे ये इसके थोड़ा वॉकिंग का एरिया है, आप वॉक वगैरह कर सकते हैं शाम के टाइम पे। और इस साइड पे जाए तो और भी यहाँ टोटल सारे लेबर कैंप भी है, वो सामने यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप है और एक उसके अलावा कैफेटेरिया है। तो अभी चलते हैं कैंप के अंदर, आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। स्वीट आ गया हूँ कैंप के अंदर। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इस साइड पे एक स्ट्रीट है, यहाँ पे सारे रूम्स हैं, इस साइड पे भी स्ट्रीट है, सारे रूम्स हैं। मेरा रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अभी मैं अपने फ्लोर पे आ चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर है मेरा, यहीं पे मेरा रूम है। अभी मैं रूम में जा रहा हूँ, आपको रूम में जा कर दिखाता हूँ। ये सामने मेरा रूम है, इस साइड पे देखिए स्ट्रीट है, सब रूम्स है। और बाहर ये शू रैक्स वगैरह है, सब रूम्स के बाहर अलग अलग शू रैक्स है। ये मेरा रूम है, इसमें हमने यहाँ पे बर्तन के लिए यहाँ पे कॉटन वगैरह रखे हुए, और तीन यहाँ पे मतलब लड़के रहते हैं मेरे साथ, मेरे दोस्त। एक ये भट्टी साहब का बेड है, एक ये वकार साहब है, और ये मेरा बेड है इस साइड पे। इस साइड पे ये फ्रिज है हमारी, और यहाँ कंपनी ने हमें अलमारियाँ वगैरह प्रोवाइड की हैं, आप अपने क्लॉथ्स वगैरह रख सकते हो। ये वाली जो है ये मेरी अलमारी है, इसमें यूनिफॉर्म, इसमें आपकी और भी ज़रूरत की चीज़ें। तो इस साइड पे आए तो इस साइड पे हमारा वॉशरूम है, काफ़ी साफ सुथरा रखा है हमने, और ऊपर छोटा सा गीजर भी है इसमें। और हमने जो रूम अपना काफ़ी क्लीन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर अभी मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ, बेसमेंट में हमारी मशीन वगैरह कपड़े धोने के लिए, और जिम भी हमारी इधर ही है, और किचन भी जो है ना टोटल यहाँ पे है। इस साइड पे ये वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, आप यहाँ पे कपड़े धो। और इस साइड पे ये पार्किंग है साइकिलिंग वगैरह खड़ी करने के लिए, और इस साइड पे ये हमारी जिम है, ये हमारी जिम है छोटी सी, और इसमें इतना सामान है कि आप आराम से अच्छी बॉडी बना सकते हैं। ये इसमें हमारे पास रॉड्स वगैरह हैं, डंबल्स हैं, और मिरर वगैरह लगे हुए हैं, प्लेट्स हैं। आप इतना है यहाँ पे सामान अवेलेबल कि आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। इसका काफी बड़ा एरिया है। इस साइड पे हमारा किचन है, ये इस साइड पे अलमारियां वगैरह दी हुई है, आपने अपना सामान जो है, क्योंकि किचन बेसमेंट में है तो इसीलिए लड़के ऊपर से सामान नहीं, यहीं पे सामान वगैरह रख के लॉक वगैरह की हुए। ये हमारा किचन है, इस साइड पे एक फौजी भाई फिर रहे हैं। ये किचन है इस साइड पे, इसमें 6 से 7 जो है चूल्हे पड़े हैं, और भाई ये हमारे अमन भाई है इंडिया से। हाँ जी, की पका रहे हो आज? की पका रहे हो? की बना रहे हो? सामने नहीं आओगे? साग मर्जी है। ये हमारे हजरत भाई है, हमारे साथ ड्यूटी करते हैं। ये किचन है हमारा, काफी बड़ा किचन है, बिकॉज सारा बेसमेंट में है, तो इसलिए जैसे यहीं पे जिम है और यहीं पे किचन है। एक सामने वाटर कूलर लगा हुआ है पानी के लिए, और अभी मैं ऊपर जाके आप। सो गाइस, ये हमारी टेरेस है, अभी मैं टेरेस पे आ चुका हूँ।
और टेरेस मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ से आपको सारा इंडस्ट्रियल एरिया का जो है ना व्यू नजर आता है बहुत प्यारा सा। और ये देखिए ये इस टाइप की ये टेरेस है, यहाँ पे वाटर टैंक पड़े काफी सारे। और मौसम चेक करें कितना जबरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है, बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग मौसम हो रहा है, इसीलिए मैं छत पे आ जाता हूँ। ये सामने देखिए, ये सामने वर्कशॉप्स हैं बहुत सारी और इतनी जबरदस्त गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होती है ना कि उनको देख के कुछ होता है कि ये यहाँ बेकार खड़ी है। इस साइड पे ये सामने सीमेंट फैक्ट्री है, उस साइड पे मार्केट है और उससे वो थोड़ा सा आगे करवा का बस स्टैंड है। ये देख रहे हो ग्रीन कलर की जो बस जा रही है, ये करवा आगे ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट। इसके टर्मिनल का भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा, बहुत खूबसूरत सा बना है। और मौसम देखिए कितना अमेजिंग हो रहा है, बादल आए हुए हैं लेकिन बारिश का कोई चांस नहीं लग रहा। तो मैं भी जब ज्यादा बोर होता हूँ या रूम में, एक्चुअली यहाँ ऐसे होता है कि डिफरेंट ड्यूटीज होती हैं तो रूम में लड़के होते हैं, उन्होंने एसी चलाया होता है और मुझे एसी से बहुत एलर्जी है। मैं जब भी एसी में बैठता हूँ ज्यादा तो मुझे छींके वगैरह शुरू हो जाती है, इसलिए मैं फिर टेरेस पे आ जाता हूँ, इसलिए मुझे टेरेस बहुत पसंद है। तो अभी भी मैं टेरेस पे आ गया। तो छोटा सा टूर था हमारे कैंप का, हमारे घर का लेबर, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लेबर्स वगैरह रहते हैं सबके इसी तरह के कैंप है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।